नमस्कार, मैं मधुमिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल स्वीट कॉम फैमिली में। आज बहुत ही अच्छा धूप निकला है और छत में बैठे बैठे अजवाइन धो के थोड़ा सूखने के लिए रखा है, उसमें थोड़ा नींबू और सिंधा नमक डाला है और पेड़ पौधे तो सारा ख़राब हो ही चुके थे। अब उसके बाद खाने का तैयारी भी करना है क्योंकि हम लोगों का दिन स्टार्ट ही होता है बस किचन से। तो अब किचन में क्या करना है, चिकन को मैंने मैरिनेट करके सुबह रख दिया था 2-3 घंटे के लिए कि उसके बाद जल्दी बन जाए। और चिकन में थोड़ा आलू भी डालना था, इसीलिए 4 पीस आलू, प्याज और मसाला भी पूरा रेडी कर चुके हैं और चावल भी मैंने दूसरी तरफ बिठा दिए थे, इसकी वजह से मेरा जल्दी जल्दी खाना भी बन जाएगा। अब उधर दूसरी तरफ चावल बन रहा है और एक तरफ मैंने प्याज फ्राई करके जो मसाला है सब सारे मसाला डाल के चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि ये पहले से हल्दी नमक सब मिला हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और चावल भी मेरा बन ही चुके हैं तो, और थोड़ा बहुत कभी कभी रोटी बनता क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो कभी कभी दोपहर में रोटी भी एक एक लेता है, इसके वजह से कभी कभी बना लेते। आलू को पहले फ्राई करके मैंने उसको थोड़ा गर्म पानी में रख दिया था और मसाला डाल के चिकन भी मेरा हो चुका है। अब बस जब पूरा फ्राई मतलब तेल छोड़ देंगे उसके बाद जो गर्म पानी और आलू है वो भी डाल देंगे साथ साथ। और मैरिनेट किया हुआ जो चिकन होता है वो बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और लास्ट में थोड़ा टमाटर प्योरी डालेंगे, कभी कभी टमाटर नहीं रहने से दही भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सर्दी के मौसम में टमाटर का रेट भी बहुत कम में रहता है, 30-40, फिर भी इस साल ज़्यादा है, बारिश की वजह से बहुत सारा सब्ज़ी ख़राब हो चुकी है। और ये बन गया मेरा आलू बैंगन और बन गया चिकन, थोड़ा पानी जो ग्रेवी वाला ही बनाया, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किया था। और बन चुका है मेरा मूली का साग जो फ्राई किया था वो भी। तो लंच पूरा रेडी हो चुका है, अब बच्चे को खाना भी दे चुके हैं क्योंकि भूख भी लगा था, उन लोगों का क्लास भी ख़त्म हो चुका है। तो बस इसी तरह ये मेरा आधा काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है दोपहर का बर्तन धोया, उसके बाद शाम का जो स्टार्टिंग है 4 बजे जो इडली डोसा बनाना है उसका भिगो के रखा था, सुबह रात से भिगो के रखे थे तो ये शाम के टाइम में पीसेंगे। फिर ये भी पीसना है 4 बजे से पहले जब पानी आते हैं 4 बजे को। तो मैंने बर्तन बर्तन धोया, किचन साफ़ किया, उसके बाद फिर इसको पेस्ट बना के अच्छे से ढक के रखना है ताकि दूसरा दिन डोसा हो या इडली हो कुछ भी बनाए। अब उसके बाद लगाना है आटा, थोड़ा सा नमक डाल के आटा भी लगाना है और बाहर थोड़ा घूमने भी जैसे वॉकिंग करने भी जाना है। इसके लिए जल्दी जल्दी करते हैं कि 5 बजे तक 1 घंटे में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। आटा लगा के मैं इसको ढक के रख दूँगी, ये तो जब रात को अभी 8-9 बजे ही बनेगा। और लेके आया था सब्जी, अब इसको सारा सफाई करके फ्रिज में भी लगाना है। बस ये वाली ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, इसी तरह आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।